किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। और मंजिल मिलने के लिए, सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका हार्डवर्क, आप कितना हार्डवर्क करते हो और कितने अच्छे से आप मेहनत करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आप में पेशेंस है? क्या पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, एग्जाम्स के प्रिपरेशन के टाइम पे तो बहुत पेशेंस लगते हैं। तीसरा, क्या कंसिस्टेंसी है? क्या क्या आप कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हो? क्या कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म अगर सक्सेस चाहते हो, आप मंजिल को पहुंचना चाहते हो, तो कंसिस्टेंसी, डेली आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, डेली की स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ ही मेहनत करते रहना है। तो जो हार्डवर्क करता है, जिसमें पेशेंस है, जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स लेता है, जो खुद के डूज एंड डोंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसको डेली देखता है, कि आपके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो डेली देखना, यही स्टूडेंट जो होते हैं वो फाइनल एग्जाम्स में सक्सेस होते हैं, जिनको मंजिल मिलती है। तो देखिए कितना मतलब अच्छा गोल्डन स्टेटमेंट है कि देर इज द नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट वी गेट इजिली, मतलब देर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट वी गेट इजिली, एवरीथिंग रिक्वायर्ड हार्डवर्क सभी मंजिल्स को पाने के लिए। आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मंजिल को अगर आपको पाना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा। आज हम डिस्कस करें कि कैसे एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे खुद के माइंड सेट को पॉजिटिव रखें और कैसे हम प्रिपरेशन करें। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है ना, क्योंकि सक्सेस तभी मिलेगी जब आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करोगे। सही डायरेक्शन और सही मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत डायरेक्शन में आप कितने भी मेहनत करो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप फेलियर ही होंगे। बट सही डायरेक्शन में सही मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल ही होंगे। इसलिए देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज वी गेट इजिली, एवरीथिंग रिक्वायर्ड हार्डवर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करें और किस तरह से हमारे रिविजन्स को मेंटेन करें, सबसे इंपॉर्टेंट। आज आपको यही मतलब क्वेश्चन होगा ना कि मैं एग्जाम्स तक, क्योंकि एग्जाम पास में आई है, 30 डेज में हमें प्रिपरेशन करना है, तो विद इन 30 डेज किस तरह से अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए ताकि मैं मेरा गोल अचीव करूं, वो मंजिले में अचीव करूं। तो देखिए सबसे फर्स्ट मास्टर रिवीजन स्ट्रेटेजी है, इसको नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये हर दिन आपको याद रहनी चाहिए, तभी आपका गोल जो है वो अचीव होगा। क्योंकि ये सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी है कि जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है, एंड यही है कि जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। एंड ये उन स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी है कि जो उन स्टूडेंट्स ने इन स्ट्रेटेजी को यूज करके सक्सेस वो हो गए। इसलिए आप भी याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये हमेशा याद रखिए। जो भी आपके PYQs होंगे, PYQ की प्रैक्टिस, जो भी आपके पास मल्टीपल मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, एंड जो आपके पास नेट के क्वेश्चन है, देखो डेली प्रैक्टिस करनी है। जो एग्जाम में करना है वही घर पे करना है, मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने है ना, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, या आपको नेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो जो एग्जाम्स में करने वाले हो आप, आपको घर पे ट्राई करना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वो खुद को एनालाइज कर लेगा घर पे ही, एंड जो एग्जाम्स में गलतियां होने वाली है वो घर पे ही अगर एनालाइज हो, घर पे ही अगर उन पे हम काम करें, घर पे ही सिली मिस्टेक को अवॉइड करें, घर पे ही गलतियों को ओवरकम करें, तो एग्जाम्स में आपको गलतियां नहीं होगी, और एग्जाम्स में गलतियां नहीं होगी तो रिजल्ट आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, रिविजन तो आप कर रहे हो, नोट्स का रिविजन तो आप कर रहे हो, बट नोट्स रिविजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको सिखाती है कि कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको सिखाती है कि हर क्वेश्चन के कितने डिफरेंट टाइप पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके कॉन्सेप्ट बनाती है,
क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप हर सब्जेक्ट को अप्लाइड वे से समझते हो, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस नेसेसरी है। हर एग्जाम की क्वेश्चन प्रैक्टिस नेसेसरी है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको प्रॉब्लम यही आ रहा होगा कि मैं नोट्स कब रिवाइज करूं और मैं क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करूं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अटक जाते क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। लास्ट 30 डेज में आपका स्ट्रेटजी डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा और आएगा भी या नहीं आएगा, ये भी याद रखना। लास्ट 30 डेज ये भी डिसाइड करते हैं कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा या आएगा भी नहीं आएगा। इसलिए याद रखो, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो। टाइम मैनेजमेंट भी किसको बोलते हैं? टाइम मैनेजमेंट मतलब नोट्स रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाफ टाइम नोट्स रिवीजन को देना है। अगर मैं सपोज 6 आवर्स की अगर मैं प्रिपरेशन करता हूँ, जनरली हम डेली का अगर प्रिपरेशन हम करें तो 6 आवर्स में 3 आवर्स रीडिंग को देना है और 3 आवर इसको दोगे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू या क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओके। पीवाईक्यू प्रैक्टिस को हाफ आवर देना है, मतलब 3 3 आवर्स आपको, 3 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस और 3 आवर्स नोट्स रीडिंग। बहुत सारे बच्चे हम ये देखते हैं कि सिर्फ नोट रीड करते रहते और वो बोलते हैं कि हम बाद में पीवाईक्यू कर लेंगे, हम बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हम एग्जाम से पहले कर लेंगे, हम 10 दिन बाद कर लेंगे, 10 दिन पहले कर लेंगे। ये गलत स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि देखो, टॉपिक आज रीड किया, क्वेश्चन बाद में करोगे, क्या फायदा? टॉपिक भी आज करना है, क्वेश्चन भी आज करने, आज के टॉपिक के क्वेश्चन आज ही करने, सबसे इंपॉर्टेंट। आज का आज करोगे तो कल का कल करोगे, तो ये डेली टॉपिक प्लस क्वेश्चन होते रहेंगे तो माइंड हमेशा स्टेबल रहेगा। इस टॉपिक के ये क्वेश्चन आए हैं और इस टॉपिक के क्वेश्चन के ये जो वो टॉपिक आ रहा है वो आपको एक्चुअल समझ में आएगा उसी दिन। इसलिए क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन नोट से क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन से नोट को अंडरस्टैंड करना है। नोट से क्वेश्चन करने, क्वेश्चन से नोट को अंडरस्टैंड करना है। जब आप ये सर्कुलर फॉर्म में करोगे ना, कि आप रीडिंग करोगे प्लस क्वेश्चन करोगे, फिर क्वेश्चन से फिर से नोट्स को अंडरस्टैंड करोगे, तभी आपका प्रिपरेशन बेस्ट होगा। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि जिससे आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, इवन यूपीएससी एग्जाम को। नोट क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट, नोट क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट, ये बार बार करना है, रिपीटेटिवली रिवाइज करना है, तभी रिजल्ट आते हैं एंड ये बेस्ट होता है। यही बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, एक ही चीज करेंगे सिर्फ नोट्स रीडिंग, और नोट्स रीडिंग करेंगे और एग्जाम में जाके बैठेंगे। एग्जाम में तो एमसीक्यू सॉल्व करना है, एग्जाम में तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जाम में तो नेट सॉल्व करना है, एग्जाम के क्वेश्चन नोट से उसको तो घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। ये बेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना है, रिविजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस का आधा आधा टाइम देना है, ओके। ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, ना ज्यादा पढ़ना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और पढ़ना भी, दोनों को भी मेंटेन करना है। तीसरा, प्रैक्टिस टेस्ट। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते, मतलब पहले दो चीजें तो करेंगे, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डेली नोट रीडिंग भी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पर खुद को एनालाइज नहीं करेंगे। जब तक आप खुद का एनालिसिस नहीं करते तब तक आपका प्रिपरेशन बूस्ट नहीं होता। बूस्ट मतलब जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, मैंने बहुत अच्छे से लर्न किया है, मुझे सारे क्वेश्चंस आ रहे, मुझे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे, ये जो कॉन्फिडेंस होता है वो बाद में आता है जब आप खुद के प्रिपरेशन को एनालाइज करते हो, जब आप प्रिपरेशन को बूस्ट करते हो। एंड ये एक ही चीज होती है जब आप टेस्ट सीरीज से वो एनालाइज करते हो। जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो एग्जाम से पहले उतने दो। 30 डेज में जितने टेस्ट दोगे सारे बेनिफिट देंगे, उसी का बेनिफिट होता है आपका रिजल्ट में। टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज अगर नहीं होगी टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि आज जो टेस्ट दोगे ना उसका फायदा एग्जाम में होगा। आज अगर मैं एनालाइज करूं कि मैं एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करूंगा, मैं एग्जाम में कैसे एग्जाम दूंगा, तो आज अगर मैं टेस्ट दूं तो मुझे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आएंगे, फिर मैं कल और टेस्ट दूंगा तो फिर मुझे पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आएंगे, फिर मैं और टेस्ट दूंगा फिर मुझे पॉजिटिव नेगेटिव। 30 डेज में 30 टेस्ट पेपर दिए तो आप कितने बेटर बन जाओगे, आप कितने स्ट्रांग बन जाओगे, आप अपने टॉपिक को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, आपकी क्वेश्चन लर्निंग कितनी अच्छी होगी, ये समझो। डेली एक टेस्ट पेपर देते जाओ, इट्स लाइक द मॉक टेस्ट, मतलब डेली टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड करेक्ट मिस्टेक, एंड डेली एक मॉक टेस्ट दो,
डेली एक मॉक टेस्ट दो, खुद को एनालाइज करो, डेली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दे आर द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एनी एग्जाम। मॉक देते तो हम कितना लर्न करते, कि मॉक टेस्ट दिया तो मुझे ये समझ में आया कि मैं क्या गलती करने वाला था, वो अभी एग्जाम में नहीं होगी। डेली अगर 30 डेज तक आप टेस्ट प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आप बेस्ट बनोगे। देखो जब ये चीजें याद रहेगी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैंने इसको मास्टर रिविजन स्ट्रेटेजी बोला है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट इसको मेंटेन करेगा चारों पॉइंट को, उसका फाइनल एग्जाम में रैंक आएगा सबसे फर्स्ट। क्यों? क्योंकि रैंक तभी आता है जब आप फुल प्रिपरेशन, कंप्लीट अच्छे से प्रिपरेशन करते हो। नाउ यू आर द बेस्ट, और आप अपने मतलब प्रिपरेशन में भी आप इतना अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको खुद को एनालाइज होगा कि मैं कितना अच्छे से प्रिपेयर कर चुका हूं, मेरा पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुआ है। ये हमेशा याद रखो, बेस्ट रिविजन स्ट्रेटेजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली हो, डेली रिविजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस को मेंटेन करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, आधा आधा टाइम देना है दोनों को, ओके। उसके साथ क्वेश्चन की टेस्ट हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो, मिस्टेक को करेक्ट करो, टेस्ट हो मिस्टेक करेक्ट करो, मॉक टेस्ट हो, यू मॉक टेस्ट एनालाइज प्रिपरेशन, इस तरह से करोगे कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं, आपका रिजल्ट ठीक में आ जाएगा, ओके। तो मास्टर रिविजन स्ट्रेटेजी को अच्छे से याद रखना। और देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है हार्डवर्क। आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा लगन से पेशेंस रख के कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लोगे, रिजल्ट उसी का आएगा, ये फिक्स है कि रिजल्ट उसी का आएगा, ओके। इसीलिए, और देखो एक हमेशा याद रखो कि समय बहुत कीमती है, टाइम इज गोल्ड, गोल्ड से भी ज्यादा, क्यों? वापस नहीं आएगा ये एग्जाम, आपके लाइफ में फिर वापस नहीं आएगी ये एग्जाम, साल में एक बार आती है, और मे भी अगले साल आप दो ही ना देते ही नहीं है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं है, टाइम तो फ्लो होगा तो आगे जाएगा, तो आप आगे जाओगे तो आप पीछे नहीं आ सकते ना। इसलिए ये अगर एग्जाम आखिरी है तो याद रखना इस एग्जाम को पूरी जी जान लगा देना, पूरे रात दिन एक कर देना इस एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि एग्जाम निकलेगी तो फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, ओके। बाद में ये नहीं बोलना है 2 साल 2-4 साल बाद की मैं अगर अच्छे से प्रिपरेशन करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता IIT में, मैं अगर अच्छे से प्रिपरेशन करता तो मेरा कोई अच्छी जगह पे सिलेक्शन होता, मैं आज कहीं अच्छी जगह पे होता, ये बोलना नहीं है। हमें आज ही करना है, जो करना है वो आज ही करना है, याद रखना। और आज का टाइम वापस नहीं आने वाला, ये टाइम बहुत कीमती है इसीलिए, और समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको और समय दे सके, ओके। समय के पास इतना है कि वो आपको और समय दे सके, तो इसी समय करना है, यही टाइम है, यही परफेक्ट करेक्ट टाइम है, और इसी राइट टाइम को गोल्ड में नहीं, आपको वो हीरे में कन्वर्ट करना है, याद रखना। ये टाइम ही इंपॉर्टेंट है, टाइम ही आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाला है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है, इसलिए इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छे से प्रिपरेशन करना, ओके। बेस्ट वे से प्रिपरेशन करते रहना, जितना ज्यादा इन चीजों को फॉलो करोगे उतना आप राइट डायरेक्शन में अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, खुद के गलतियों को अंडरस्टैंड करो और उनको करेक्ट करते जाओ, करेक्ट करते जाओ, ओके। तो ये सबसे बेस्ट वे, ओके। तो ये हुआ आज का हमारा स्ट्रेटेजी सेशन, आप इन सारी चीजों को याद रखना, अच्छे से इनको फॉलो करना, ओके। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ओके। तो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट आपके सारे एग्जाम्स के लिए, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।